फ्रेंड्स, आकाश देसाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरेक्टिक्स में। बेटा, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 9, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सो इस सब्जेक्ट की केस स्टडीज हम लोग को आज डिस्कस करने हैं, राइट। इस चैप्टर में बेटा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, द फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। और यहाँ पे हमारे जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, उसमें आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके हिसाब से हमने ये नोट्स रेडी किया है आपके लिए, OCSP इको के लिए। तो आप वो रेफर कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करोगे, देन आई कैन प्रोवाइड यू, राइट। चलिए हम लोग केस स्टडी डिस्कस करेंगे, ये कैसा हैंड रिटन नोट्स रहेगा वो आप देख सकते हो, एंड पीछे आपको एक्सरसाइज भी मिलेगा विथ उसके आंसर्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, राइट। चलिए अभी हम लोग को स्टार्ट करना है केस स्टडी क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन अच्छे से देखना है बेटा, बुक है तो सामने लिख के रखना, आपके पास बुक है तो लिख के रखना, अदरवाइज जो बच्चे जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हो, नोट्स में आप बेटा लिख के रख सकते हो, राइट। चलिए, और ये मैं मुझे इंपॉर्टेंट लगता है डिस्कस करने, बाकी के सभी जो हमारे सब्जेक्ट्स है, SP है और ये OCM की बात कर रहे हैं, एंड इकोनॉमिक्स में भी एक केस स्टडी जैसे आपका इलस्ट्रेशन आते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हर एक चैप्टर के 10 है तो 10 लेक्चर्स बन जाएंगे, राइट। सो वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वो बेल आइकॉन को अगर प्रेस करके रखो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो आएगा। प्लेलिस्ट में जाके चेक करना बेटा, OCM के भी केस स्टडीज हमने डिस्कस कर लिए है, SP पे भी मोस्ट ऑफ चैप्टर्स अभी वो खत्म भी होते आएगा, राइट। चलिए, मिस्टर जेड, आप बुक सामने रखिएगा अपना, मिस्टर जेड होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ पेक्यूलियर कंपनी लिमिटेड इन फिजिकल मोड एंड विशेष टू कन्वर्ट द सेम इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। मिस्टर जेड पेक्यूलियर कंपनी लिमिटेड के शेयर है उनके पास, 100 शेयर है, फिजिकल मोड, इन फिजिकल मोड में है बेटा, मतलब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट उनके पास है, उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ डिपॉजिटरी का कंसेप्ट क्या होता है। पहले क्या होता था सर, जो बंदा, जो पर्सन कंपनी में शेयर परचेस करता है, उनको सर्टिफिकेट एलोकेट किए जाते थे, बट अभी क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता सर, ये सब ऑनलाइन वर्क होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह मिस्टर जेड के पास पहले फिजिकल सिक्योरिटीज थे, सर्टिफिकेट्स थे, अभी उनको ई मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर करो। मिस्टर जेड, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा, राइट, एक मिनट आपको इजी बनेगा। हाँ, मिस्टर जेड होल्ड्स अ सेविंग बैंक अकाउंट विथ CFDH बैंक लिमिटेड। सेविंग अकाउंट है मिस्टर जेड का CFDH बैंक अकाउंट, बैंक में। कैन ही डिपॉजिट हिज शेयर्स इन दिस अकाउंट फॉर डीमैट। डीमैट इज नथिंग बट अ डीमटेरियलाइज्ड कंसेप्ट, डीमटेरियलाइजेशन होता है बेटा। सो डीमटेरियलाइज फॉर्म में क्या होता है, आपके फिजिकल सर्टिफिकेट्स वहां पे नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉनिक में बन जाते हैं। तो उसको ही कंसेप्ट, जब हम लोग फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हैं, ये कंसेप्ट को ही बोला जाता है डीमटेरियलाइजेशन। इसके लिए बैंक में अलग से अकाउंट आपको ओपन करना होता है, सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है बाबा, अलग से अकाउंट, दैट इज डीमैट अकाउंट करके। सो वहां पे आपके शेयर्स क्या होंगे, शो होंगे वो अकाउंट में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या ये सेविंग बैंक अकाउंट में वो शेयर रखा जा सकते हैं, तो आंसर इज नो सर, राइट। यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, अलग से डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, मिस्टर जेड होल्ड्स अ सेविंग बैंक अकाउंट विद CFDH बैंक, कैन ही डिपॉजिट हिज शेयर्स इन दिस अकाउंट फॉर डीमैट। द आंसर इज नो, ही हैज टू ओपन डीमैट अकाउंट, राइट। सो मिस्टर जेड कैनॉट डिपॉजिट हिज शेयर्स इन द सेविंग अकाउंट, ही हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। आपको आंसर समझ गया, सिंपल आपका आंसर नो है, आप ऐसे इलेबरेट करके रखोगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू, एंड एग्जामिनर को भी अच्छा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज नीडेड फॉर द सेम। ऑलरेडी बोला डीमैट अकाउंट लगेगा आपका, कौन सा अकाउंट होना चाहिए बेटा, मिस्टर जेड इज नीडेड टू हैव अ डीमैट अकाउंट, राइट। देन बात करते हैं सी की, इज इट द RBI विच विल बी द कस्टोडियन ऑफ शेयर ऑफ मिस्टर जेड आफ्टर डीमैटिंग। बेटा RBI क्या इस शेयर्स, मतलब जब आप डीमैट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, क्या RBI कस्टोडियन होगा इसका, RBI का कोई यहाँ पे कंट्रोल होगा। सो RBI कैनॉट एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ शेयर, RBI को यहाँ पे RBI कस्टोडियन नहीं होगा। कस्टोडियन मतलब क्या से, उसकी कस्टडी में शेयर रखेंगे, उसके लॉकर में रहेंगे। द आंसर इज नो, RBI आपके शेयर्स का लॉकर नहीं है, RBI आपके शेयर्स को लॉक करके नहीं रख रहे, राइट। सो देन द बैंक कैन बी एज एक्ट एज अ डिपॉजिटरी टू होल्ड द शेयर्स इन द डीमटेरियलाइज मोड। सो ये डिपॉजिटरी का कंसेप्ट जो मतलब बोला, इलेक्ट्रॉनिक वर्क को हैंडल करने वाला अगर कोई है तो उसका आंसर है डिपॉजिटरी। चैप्टर का नाम ही है डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है शेयर्स का,
ऑनलाइन वर्क, इलेक्ट्रॉनिक वर्क को क्या करता है, हैंडल करता है। तो आरबीआई कस्टोडियन है, द आंसर इज नो। बैंक कौन सर? बैंक जो कि एक्ट करता है एज अ डिपॉजिटरी, वो कस्टोडियन है। तो आपको आंसर सिंपल लिखना है, द बैंक कैन एक्ट एज अ डिपॉजिटरी टू होल्ड द शेयर्स इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। बैंक कैन एक्ट एज अ डिपॉजिटरी टू होल्ड द शेयर्स इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। आपको आंसर समझ में आ गया, आरबीआई कस्टोडियन रहेगा क्या? आंसर इज नो, आपका बैंक ही रहेगा, बैंक को ही क्या बोला जाएगा, डिपॉजिटरी बोला जाएगा, राइट। देन बात करते हैं यहां पे कैसा होता है सर। यस, डिपॉजिटरी एक सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्क हैंडल करेगा। उनके नीचे डीपी होता है, डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये बैंक्स ही होते हैं। देन हम कस्टमर्स मतलब हम इन्वेस्टर्स आते हैं, तो इन्वेस्टर डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, डिपॉजिटरी के पास नहीं, डीपी के पास, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, राइट। तो वो होते हैं बैंक्स होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, मिस्टर आर होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ पेक्यूलियर कंपनी लिमिटेड इन डीमैट मोड। तो मिस्टर आर है पेक्यूलियर कंपनी लिमिटेड के, इनके पास 100 शेयर्स है डीमैट मोड में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करो मुझे फटाफट। ये फर्स्ट वन, ही वॉन्ट्स टू ट्रांसफर 1 शेयर इच टू हिज वाइफ, डॉटर एंड सन। उसको मिस्टर आर को अपने शेयर्स उसकी वाइफ को, डॉटर को एंड सन को ट्रांसफर करने, कैन ही डू सो, क्या वो इसे क्या कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बट हाँ एक कंडीशन है बेटा, उनकी वाइफ के पास, डॉटर के पास एंड सन के पास क्या होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर्स है तो उनके पास भी डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो ही क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ही वॉन्ट्स टू ट्रांसफर, कैन ही डू सो, द आंसर इज यस, बट हिज वाइफ एंड वाइफ, डॉटर एंड सन शुड हैव अ डीमैट अकाउंट, राइट। देन आगे बात करते हैं बेटा, Does he need to submit DRF or DIS if he wants to transfer his shares? हाँ, अभी देखिए, DRF is nothing but Demat request form, लिखे रखिएगा Demat request form, DIS में तभी मेरा depository instruction slip, right? तो जब ये shares transfer करते हैं तो क्या उनको ये request form करके instruction slip देना पड़ेगा? तो answer is yes. Does he request to transfer? I'm sorry, कहाँ पे गया? Does he need to submit DRF या तो DIS? The answer is yes. Mr. R is required to submit DRF or DIS, right? चलिए ये किसको देगा सर, DRF और DIS? Demat account किसके पास ऑपरेट करते हो आप? बैंक्स के पास। बैंक्स को क्या बोला था? DP। तो DP को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, राइट। चलिए प्रॉपर, देन बात करते हैं, कैन ही नॉमिनेट हिज वाइफ इन हिज डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट में क्या वो अपनी वाइफ को नॉमिनेट कर सकता है? सो यस सर, मतलब अगर सपोज मिस्टर आर के बाद ये शेयर्स क्या उनकी वाइफ को जाएगा, मतलब नॉमिनेशन फैसिलिटी होगा कि वो मैं नहीं रहूं या तो मेरी डेथ के बाद ये शेयर्स मेरी वाइफ को जाए? आंसर इज यस, मिस्टर आर कैन नॉमिनेट हिज वाइफ इन हिज डीमैट अकाउंट, राइट। चलिए आगे, Mrs. Z wishes to open a demat account in her name. Mrs. Z को demat account open करना है उनकी नाम से, ठीक है? तो can she open the account? यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे बेटा, can she open the account going to Mumbai office of NSDL? तो NSDL के मुंबई ऑफिस में जाके क्या ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है? देखिए मैंने क्या बोला, आप सिंपल बताओ, सेविंग बैंक अकाउंट कहाँ पे ओपन किया जा सकता है सर? सेविंग बैंक की बात कर रहा हूँ बट, तो बैंक में, राइट। और मैंने क्या बोला, डिपॉजिटरी, एक एनएसडीएल डिपॉजिटरी, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ऐसे दो डिपॉजिटरीज है हमारे इंडिया में। तो ये डिपॉजिटरी है, उसके नीचे क्या होता है, बैंक्स मतलब डीपी होते हैं। देन हम इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिपॉजिटरी के साथ नहीं होता सर, किसके साथ होता है? बैंक से, मतलब डीपी के साथ। तो ये अकाउंट ओपन करना है तो डायरेक्टली आप एनएसडीएल में मत जाना बेटा, कहाँ पे जाना है आपको? डीपी के पास, डीपी मतलब बैंक के पास, सिंपल। तो आपको, कैन शी ओपन द अकाउंट गोइंग टू मुंबई ऑफिस ऑफ एनएसडीएल? द आंसर इज नो, ही हैज टू गो विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, या ही हैज टू ओपन द अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, राइट। देन बात करते हैं, इज शी रिक्वायर्ड टू पे फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड मेंटेनेंस? यस सर, डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपको क्या करना है, बैंक को चार्जेस पे करने होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस पे करने होते हैं। यस, सो मिसेस जेड हैज टू इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर ओपनिंग अकाउंट एंड इट्स मेंटेनेंस, राइट। देन डज शी हैव टू सेंड द शेयर्स टू रिस्पेक्टिव कंपनी फॉर डीमैटिंग? डज शी
हैव टू सेल द शेयर्स टू रिस्पेक्टिव कंपनी फॉर, अगर सपोज डिमैटिंग करना है तो क्या रिस्पेक्टिव कंपनी को आपको वो शेयर सेंड करने होते हैं? तो सिंपल है, सो मिसेस जेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द शेयर्स टू रिस्पेक्टिव कंपनी फॉर डिमैट। तो डिमैट करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो शेयर्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या वो शेयर्स को आपको कंपनी को भेजने पड़ेंगे क्या? क्या मुझे डिमैट करके दो? नहीं, अब वो डीपी ही करके देगा आपका, राइट? सो आपके शेयर्स को डिमैट करने के लिए, डिमैट मतलब क्या करेंगे सर, सर्टिफिकेट को ऑनलाइन में कन्वर्ट करने का काम आपका कंपनी नहीं करके देगा, डीपी करके देगा। और डीपी कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब ही बैंक है आपका। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आगे बात करते हैं। चलिए बेटा फोर्थ पढ़ते हैं। मिस्टर एल वॉन्ट्स टू डिमैट हिज 25 शेयर्स ऑफ पेक्यूलियर कंपनी लिमिटेड बियरिंग सर्टिफिकेट नंबर 100 एंड डिस्ट्रिक्ट नंबर 76 से लेके 100। सिंपल है, क्यों? मिस्टर एल है, उसको 25 शेयर अपने डिमैट कराने हैं, राइट? और सर्टिफिकेट का नंबर है 100 एंड डिस्ट्रिक्ट नंबर है उनका 76 से लेके 100 तक। तो ये शेयर 76 से लेके 100 तक के जो नंबर ऑफ शेयर, हर एक शेयर को डिस्ट्रिक्ट नंबर होता है, तो 76 से लेके 100 ये जो नंबर है, ये 25 शेयर उनको क्या करने हैं? डिमैट करने हैं, राइट? सो विच फॉर्म ही इज ही रिक्वायर्ड टू फिल एज अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू द डीपी को? तो डीपी को रिक्वेस्ट करना है तो कौन सा फॉर्म उनको? तो मिस्टर एल हु वांट्स टू डिमैट हिज 25 शेयर्स हैज टू फिल एंड सबमिट डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, राइट? डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म इज नथिंग बट डीआरएफ। तो आपको डीआरएफ बना के सबमिट करना पड़ेगा, किसको? डीपी को, राइट? डीआरएफ और वो सर्टिफिकेट, मतलब जो सर्टिफिकेट है 25 शेयर्स के, वो सर्टिफिकेट भी आपको डीपी को सबमिट करना है। तो सिंपल आपको लिखना है, मिस्टर एल राइट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट डीआरएफ दैट इज डीमटेरियलाइज रिक्वेस्ट फॉर्म एंड सर्टिफिकेट्स टू द डीपी, राइट? तो ये हो गया आपका विच फॉर्म, डीआरएफ फॉर्म, राइट? एंड सर्टिफिकेट्स भी सेंड करने पड़ेंगे डीपी को, राइट? देन बात करते हैं बेटा, डज He have to fill instrument of transfer if he wishes to transfer the same after demat? क्या उसको, does he have to fill the instrument of transfer? ये instrument of transfer करके कुछ ऐसा इनको submit करना पड़ेगा, fill करना पड़ेगा instrument of transfer if he wishes to transfer some transfer the same to after demat, मतलब demat करने के बाद अगर उसको shares transfer करने हैं तो क्या उनको ये instrument of transfer आपको बनाना पड़ेगा? आंसर इज नो। देखिए मिस्टर, आंसर लिखना है आपको, मिस्टर एल इज नॉट रिक्वायर्ड टू फिल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इफ ही विशेस टू ट्रांसफर हिज शेयर्स, राइट? तो उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर से मतलब लिखने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, ऑनलाइन के केस में ट्रांसफर कर सकते हो आपके शेयर्स। तो अलग से आपको एक फॉर्म बना के कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। देन बात करते बेटा, Does he have to quote certificate number and distinct number if he wishes to transfer his shares after it is in demat form? So simple है सर, demat form में जब certificates होते हैं तभी shares होते हैं, तभी उसके ऊपर कोई distinct number नहीं होता। तो आपका simple answer is no, Mr. L is not required to quote certificate and distinctive number. So Mr. L is not required to quote certificate number and distinctive numbers, right? ये हो गया। देन बात करते हैं लास्ट केस स्टडी की बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है बेटा, यही नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे पांचों के पांचों एक केस स्टडी आने की मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि 100% चांसेस इसमें का एक केस स्टडी आपको एग्जाम में आए, राइट? तो मिस्टर एस होल्ड्स 50 शेयर्स ऑफ पेक्यूलियर कंपनी लिमिटेड। मिस्टर एस के पास पेक्यूलियर कंपनी लिमिटेड के 50 शेयर्स है और वो जो है शेयर्स वो डीमैट फॉर्म में। द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर एंड बोनस ऑफ 1:1 टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ विल मिस्टर एस, आई एम सॉरी बेटा यू विल गेट डिस्टर्ब, राइट? हाउ विल मिस्टर एस गेट हिज डिविडेंड? तो मिस्टर एस को उसका डिविडेंड कैसे मिलेगा? सिंपली डीमैट अकाउंट में ही जाता है। तो देखिए मिस्टर एस हु होल्ड्स 50 शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, जो कि 50 शेयर उन्होंने ऊपर ही बताया, राइट, इज अ बेनिफिशियल ओनर होगा, मतलब ये उसको शेयर, ये बेनिफिशियल मतलब ऑब्वियसली वो बेनिफिट उसको जो भी मिलेगा डिविडेंड का या तो बोनस का, वही ओनर है उसका, राइट? हिज डीमैट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑटोमेटिकली फॉर ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी थ्रू कॉर्पोरेट एक्शन। सुनो सिंपल है, तो आपको लिखना क्या है सर, हिज डीमैट अकाउंट मिस्टर एस डीमैट अकाउंट ऑटोमेटिकली गेट क्रेडिटेड विथ हिज डिविडेंड, राइट? सो उसका जो डिविडेंड उसको जो मिलने वाला है ऑटोमेटिकली उसके डिमेट अकाउंट में आता है, मैंने पहले ही बोला। सो हाउ विल मिस्टर एस गेट हिज डिविडेंड? ऑटोमेटिकली बाय क्रेडिटिंग हिज डिमेट अकाउंट, ऑटोमेटिकली बाय क्रेडिटिंग हिज डिमेट अकाउंट। सो डिमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो डिविडेंड आ जाएगा जब कंपनी पे करेगा।
विल ही गेट बोनस शेयर्स इन फिजिकल और डीमैट? उसको जो डीमैट जो बोनस मिलेगा वो फिजिकल मिलेगा या डीमैट फॉर्म में मिलेगा? देखो सर, जो बोनस मिलेगा डिविडेंड मिलेगा वो डीमैट में ही आपका आ जाएगा, डीमैट अकाउंट में ही ऑटोमेटिकली शो होगा. सो विल ही गेट बोनस शेयर्स इन फिजिकल और डीमैट? सो मिस्टर एल विल गेट बोनस इन डीमैट फॉर्म, राइट. देन बात करते हैं हु इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड एंड बोनस. हु इज एंटाइटल्ड टू, Who is entitled to dividend and bonus? Mr. S or the depository? Obviously, किसका dividend है, किसका bonus है, तो किसको मिलना चाहिएगा? So in this case, Mr. S जो है, right, is entitled to get dividend and bonus. Obviously, मेरे शेयर से. तो depository को क्यों दो? वो तो ऑनलाइन वर्क को हैंडल कर रहा है सर, और मैं ओनर हूँ उस डिविडेंड का एंड बोनस का. तो मिस्टर एस विल गेट डिविडेंड एंड बोनस. आई होप हम लोग बेटा यस डिस्कस करने वाली है सभी के स्टडीज, राइट. सभी इंद्र से पांच केस स्टडीज आपका डिस्कस हुआ है. जो 101 नोट है बेटा, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर, उसका आंसर भी आपको नीचे मिलेगा. चैप्टर नंबर 10 के साथ स्टार्ट करेंगे, इसका केस स्टडीज देखें और जो भी केस स्टडीज आपको इसमें मिली जाएगा. प्लस आपको एग्जाम में पेपर कैसे लिखने होते हैं, बोर्ड पेपर और टॉपर के आंसर शीट मैंने अपलोड किए बेटा वहाँ पे, उनको केस उन्होंने कैसे पेपर देखा वो भी देखना. ऊपर आई बटन पे मैं अपलोड कर दूंगा, प्लस केस स्टडी के प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड. स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.